मैं केला खेती के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरे पीछे में बड़ा पौधा दिख रहा है, वो पौधा अभी 9 महीने का हुआ है और अभी मेरे पीछे गड्ढा किया हुआ है जो अभी नया फसल केला का लगाना है। केला का तैयारी करते हैं तो हम पहले उसमें ट्रैक्टर से जोताई करने के बाद उसमें एक रिजर आता है, वो रिजर का काम करवाते हैं और रिजर के बाद फिर अपन उसमें 1x1 का गड्ढा करते हैं और उसके बाद गड्ढा करने के बाद जो मिट्टी निकला रहता है उसमें अपन ये प्रति एकड़ 4 ट्रिप जैसा ट्रैक्टर में 4 ट्रिप गोबर खाद उसमें डालते हैं एक एकड़ के पीछे और 1 ट्रिप मुर्गी खाद डालते हैं। फिर जैसा ही उस पौधे 1 महीना का हो जाता है फिर उसमें अपन जो हमारा डीप कट सिस्टम रहता है उसमें पानी और खाद एक जगह से हमको चलाना रहता है तो ड्रिप के माध्यम से हम उसमें खाद यूरिया पोटाश है और कुछ केमिकल आते हैं वो सब हम ड्रिप के माध्यम से हम पौधे को देते हैं। खाद वेस्ट नहीं होता, पानी मात्रा वेस्ट नहीं होता। हम जैसा फ्लड में पलाते हैं तो उसमें हमारा बोर में जी पानी है, हम जैसा एक बोर का पानी हमने 1 एकड़ में यूज कर रहे हैं तो हम वही 1 एकड़ का बोर का पानी हम 5 एकड़ में केला जैसा ड्रिप सिस्टम से लगाते हैं तो हम 5 एकड़ में यूज कर सकते हैं वो 1 पंप का पानी। ये फायदा है इसमें। 5.5 महीना में उसका फूल चालू हो जाता है, जो अपना फल के लिए फूल निकलता है वो फूल चालू हो जाता है 5.5 महीने में। फल वाले पौधे ये 7.5 महीने का पौधा है, तैयार हो गया है, फल तैयार हो गया है। अभी इसको 1.5 से 2 महीना लगता है इसको पूरा तैयार होने में फल। तो इस तरह हमारा 9 महीने में केला का फसल तैयार हो जाता है और केला के फसल में फायदे भी अच्छे हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई लोग अब केला की खेती करना चालू कर दिए हैं। ड्रिप सिस्टम, खाद, दवाई, ऑर्गेनिक दवाई, जैविक खाद वगैरह सब हमारे छत्तीसगढ़ शासन से मिलते हैं। माननीय हमारे कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के पास गए थे, वो भी हमको बहुत अच्छे सलाह दिए और हमको उससे जाने से हमको बहुत सारे फायदे हुए। हमारे केला के खेती के लिए हमको प्रेरित किया तो हमने केला खेती की है, उससे हमें बहुत सारा फायदे हुए। कृषि मंत्री हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद, अगर इसका फायदा उठाते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।